केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है ग्लास, जिसका फार्मूला क्या है, सिलिका डाइऑक्साइड, है ना। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहला हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। दूसरा टॉपिक हम देखेंगे कि कौन सा पदार्थ मिलाते हैं जिसके कारण हमारा शीशा का क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है, ग्लास का कलर चेंज हो जाता है। तीसरा हम क्या देखेंगे, इसका टाइप्स देखेंगे और यूज़ देखेंगे कि वो कौन सा टाइप का यूज़ कहाँ पे होता है इस बारे में, है ना। एग्जाम में मोस्टली कलर का आता है कि कौन सा केमिकल डालते हैं तो हमारा ग्लास का कलर कैसे होता है, ये मेन है ना। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला। हमारा पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लास। ग्लास का क्या देख रहे हैं हम, परिभाषा देख रहे हैं। तो क्या बोलता है परिभाषा, एक बार देख लेते हैं। अकार्बनिक पदार्थों से बना हुआ वह पारदर्शक अथवा अपारदर्शक जिसमें शीशी बोतल, ठीक है ये हिंदी वर्ड है, शीशी बोतल है ना, आदि बनती है, राइट। वे ठोस पदार्थ जो द्रव अवस्था से क्या होता है, ठंडे होकर क्या हो जाता है, ठोस अवस्था में बदलता है, आने पर क्या होता है, क्रिस्टलीय संरचना प्राप्त नहीं कर पाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ग्लास बोलते हैं। एक प्रकार से क्या होता है, ये मिश्र धातु होता है। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, सिलिका डाइऑक्साइड, राइट। एक बार फिर से बता देता हूँ, अकार्बनिक पदार्थों से बना हुआ है ना वह पारदर्शक अथवा अपारदर्शक जिसमें क्या होता है, शीशी या बोतल आदि बनती है। ठोस पदार्थ होता है जो द्रव अवस्था से ठंडे होने पे क्या होता है, वो ठोस अवस्था में क्रिस्टल संरचना नहीं प्राप्त कर सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लास बोलते हैं। ये एक मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु मैंने बताया है, मिश्र धातु का मतलब होता है मिश्रण। उसमें क्या होता है, सेम परमाणु के दो या तीन पदार्थ मिल के क्या बनाता है, हमारा मिश्र धातु बनाता है। और कांच क्या है, एक मिश्र धातु है जिसका केमिकल फार्मूला क्या है, सिलिका डाइऑक्साइड। याद रखिएगा इसका केमिकल फार्मूला क्या है, सिलिका डाइऑक्साइड। दूसरा टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, हम कौन सा पदार्थ का रिएक्शन कराती है, कौन सा कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं जिसका उसका क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, कांच में रंग देने वाले पदार्थ, मतलब हम कांच में किसका रिएक्शन कराते हैं तो रंग परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपने देखे होंगे गाड़ी का कांच का कलर कैसा रहता है, और कई प्रकार के घरों में जो ग्लास रहता है कांच का, उसका कलर कैसे रहता है, वो किस कारण होता है, तो उसका हम क्या कराते हैं, केमिकल रिएक्शन कराते हैं। केमिकल रिएक्शन कराने पर क्या होता है, बनता है, ठीक है। उसके बाद उसका हम क्या करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन कराने पे हमको पता चलता है कि हम क्या क्या डाल रहे हैं तो उसका कलर कैसे आएगा। तो यहाँ पे हमारा देखो कांच का क्या है, केमिकल फार्मूला हमारा सिलिका डाइऑक्साइड। उसी में अगर हम क्या डालते हैं, कोबाल्ट ऑक्साइड डालते हैं। याद रखिएगा कोबाल्ट ऑक्साइड, इसका फार्मूला क्या है, कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड CO, है ना। इसमें मैं लिख देता हूँ कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन कराने पे हमको क्या मिलता है, तो गहरा नीला कलर मिलता है, याद रखिएगा नीला कलर, ठीक। अगर हम सिलिका डाइऑक्साइड और कोबाल्ट ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो हमको गहरा नीला कलर प्राप्त होता है। इसको आपको याद रखना, यही क्या होता है एग्जाम में आता है, केवल कलर इसके रिलेटेड, राइट। दूसरा, अगर हम सिलिका डाइऑक्साइड का रिएक्शन कैडमियम सल्फेट से कराते हैं तो उसमें क्या मिलता है, हमको पीला कलर मिलता है, येल्लो कलर, याद रखिएगा येल्लो कलर मिलता है। कैडमियम सल्फेट बोलते हैं इसको, कैडमियम सल्फेट, CdSO4, कैडमियम सल्फेट, याद रखिएगा। और हमारा फिर क्या हो जाएगा, अगर हम ग्लास का रिएक्शन, ग्लास सिलिका डाइऑक्साइड का रिएक्शन हम क्या करते हैं, सोडियम क्रोमेट से करते हैं। सोडियम क्रोमेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट। इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमको हरा कलर प्राप्त होता है, याद रखिएगा कलर में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। क्या बोले, कोबाल्ट में क्या हो जाएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड नीला कलर, याद रखिएगा। और उसके बाद हमारा कैडमियम सल्फेट में पीला कलर मिलता है, सोडियम क्रोमेट में हरा कलर मिलता है, याद रखिएगा, राइट। अगला, हम सिलिका डाइऑक्साइड का रिएक्शन हम मैग्नीस ऑक्साइड से कराते हैं तो हमको लाल रंग मिलता है, लाल रंग, याद रखिएगा रेड कलर, ठीक है। रेड कलर किससे करते हैं, तो हम मैग्नीस ऑक्साइड का करते हैं तब, ठीक है। फिर सिलिका ऑक्साइड का रिएक्शन हम क्यूप्रस ऑक्साइड, याद रखिएगा क्यूप्रस ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो चटक लाल प्राप्त होता है, या लाइट बोल सकते हो, लाइट रेड कलर प्राप्त होता है, याद रखिएगा लाइट रेड कलर किससे कराते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड का, राइट।
अब फिर क्या कराते हैं, सिलिका ऑक्साइड, सिलिका डाइऑक्साइड का हम क्या कराते हैं, सेलेनियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं, तो हमको नारंगी लाल मिलता है। नारंगी लाल कलर में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, एकदम क्लियर रखना है किसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, इसको बस को आपको याद रखना है, राइट। अब क्या हो जाएगा हमारा, सिलिका डाइऑक्साइड का हम क्या कराते हैं, क्यूपरस साल्ट। क्यूपरस साल्ट का फार्मूला क्या होता है, C4H2 है ना, और CuO8 होता है, ये क्या होता है, क्यूपरस साल्ट होता है, याद रखिएगा। इसका अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमको नीला कलर प्राप्त होता है, इसको आपको याद रखना है। इधर देखते हैं, है ना, सिलिका डाइऑक्साइड का रिएक्शन कैडमियम सल्फाइड, दो बार हो गया, कैडमियम सल्फाइड है, उस बार कैडमियम सल्फेट लिए थे, तो इसमें हमको क्या मिलता है, पीला कलर मिलता है, इसको आपको याद रखना है, राइट। कैडमियम सल्फाइट है ये, कैडमियम सल्फाइट, वो कैडमियम सल्फेट था, कैडमियम सल्फेट का रिएक्शन कराते हैं तो पीला कलर, कैडमियम सल्फाइड का रिएक्शन कराते हैं तो भी से पीला कलर, याद रखिएगा। अगर हम फेरिक ऑक्साइड का कराते हैं किसके साथ, सिलिका डाइऑक्साइड के साथ, हमको ब्राउन कलर, भूरा कलर प्राप्त होता है, इसको आपको याद रखना है, भूरा कलर, राइट। अगर सिलिका डाइऑक्साइड का रिएक्शन हम सोने के साथ कराते हैं, गोल्ड के साथ कराते हैं, है ना, क्या कराते हैं, अगर हम सिलिका डाइऑक्साइड का रिएक्शन हम गोल्ड क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमको मिलता है लाल कलर, याद रखिएगा लाल कलर, ठीक है। बस इतना ही एग्जाम में आपसे पूछेगा किसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे तो हमको कौन सा कलर प्राप्त होगा, राइट। एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बोला, सिलिका डाइऑक्साइड का रिएक्शन हम कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमको गहरा नीला कलर प्राप्त होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला कलर, याद रखिएगा, ठीक है। फिर हमने कैडमियम सल्फेट बोला, सिलिका डाइऑक्साइड में रिएक्शन किसका कराते हैं, कैडमियम सल्फेट का, तो हमको येलो कलर प्राप्त होता है, येलो कलर या पीला कलर, ठीक है। सिलिका डाइऑक्साइड का रिएक्शन हम जब कैडमियम सल्फेट के साथ कराते हैं तो येलो कलर, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम सिलिका डाइऑक्साइड का रिएक्शन सोडियम क्रोमेट के साथ कराते हैं तो हमको ग्रीन कलर प्राप्त होता है, सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट का फार्मूला क्या है, Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट हरा कलर प्राप्त होता है, ग्रीन कलर प्राप्त होता है, इसको याद रखना है। फिर सिलिका डाइऑक्साइड में मैग्नीज का करते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड का करते हैं तो हमको रेड कलर प्राप्त होता है, रेड कलर या लाल कलर दोनों एक है, रेड कलर इंग्लिश में, लाल कलर हिंदी में, शायद सब जानते हो, राइट। फिर हमारा सेलेनियम ऑक्साइड हो जाएगा, इसका गहरा क्या हो जाएगा, नारंगी लाल कलर, याद रखिएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, क्यूपरस साल्ट, क्यूपरस साल्ट का रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, नीला कलर, है ना। और फिर हम क्या कराते हैं, कैडमियम सल्फाइड का कराते हैं तो इसमें येलो कलर मिलता है, फेरिक ऑक्साइड का कराते हैं तो हमको ब्राउन कलर मिलता है, और हम क्या कराते हैं, गोल्ड क्लोराइड के साथ कराते हैं तो लाल कलर मिलता है, ठीक है। ये हमारा कौन सा टॉपिक हो गया, कांच में रंग देने वाले पदार्थ, ठीक है, वो किसका हम रिएक्शन कराते हैं तो बनता क्या है, ये हो गया। अब हम देखते हैं कांच के टाइप और उसका उपयोग, कौन सा टाइप कौन सा उपयोग में आता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ ग्लास एंड उसका यूज देखेंगे, कौन सा टाइप का ग्लास किसकी कहाँ कहाँ यूज होता है इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला हमारा, देखो हम कितने टाइप से हम कांच पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मोस्टली 7 टाइप का है ना, याद रखिएगा, 7 टाइप का है, और भी हो सकता है, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 7 टाइप का ही पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक। और कौन सा टाइप का कहाँ यूज हो रहा है इसको हम बता रहे हैं। तो सबसे हमारा पहला क्या होता है, फिलेंट कांच होता है, जिसको हम कैमरा में और क्या करते हैं, लेंस में, दूरबीन में, मतलब हम क्या करते हैं, दूर के वस्तु के लिए क्या करते हैं, फिलेंट कांच को यूज करते हैं, फिलेंट ग्लास बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, पारसिक, पारसिक कांच या पारसिक ग्लास, जिसको हम क्या करते हैं, हम प्रयोगशाला में क्या करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट रहता है उसको यूज करते हैं, जो प्रयोगशाला में हमारा कांच का इंस्ट्रूमेंट होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पारसिक ग्लास का यूज करते हैं, इसको आपको याद रखना है। फिर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सोडा कांच, जिसको हम क्या कराते हैं, ट्यूबलाइट, जो घरों में ट्यूबलाइट लगा रहता है उसको का बनाने के लिए क्या रखता है हमारा, सोडा ग्लास, इसको आपको याद रखना है ना। फिर
हमारा चौथा क्या हो जाएगा, क्राउन कांच। क्राउन कांच का हमारा क्या है, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब का मतलब जो बोलते हैं टंगस्टन लगा रहता है, जिस वाला बल्ब हमें जो घरों में लगा रहता है, गांव में अधिकतर देखा जाए 10 रुपये वाला, वो क्या रहता है हमारा, क्राउन कांच का रहता है। और फिर पांचवा हमारा क्रूक्स कांच, जिसको धूप का चश्मा के लिए यूज करते हैं, है ना, जो उसको हम लोग क्या बोलते थे, सन ग्लास है करके बोलते थे, चश्मा क्रूक्स का बना रहता है, याद रखिएगा। फिर पोटास, है ना, पोटास कांच क्या रहता है, कांच के बर्तन जो कई प्रकार के रहता है, ग्लास बनाने के लिए कांच का आजकल बहुत सी चीज़ों का यूज करने लगे हैं बर्तन के रूप में, है ना। ये हो जाएगा, वो किसका बना रहता है, पोटास का बना रहता है। फिर मृदु कांच, मृदु कांच में हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब, परख नली बनाने के लिए क्या करते हैं, हम मृदु कांच का यूज करते हैं, है ना। तो हमने कितने प्रकार का देख लिया, 7 टाइप देखिए, अलग अलग उसका यूज है। एक बार रिविजन करा देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने देखा फिलन कांच, जिसको हम दूरबीन कैमरा लेंस बनाने में यूज करते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा पारसेक, जिसको हम प्रयोगशाला में यूज करते हैं। पारसेक ग्लास, जिसको हम क्या कराते हैं, प्रयोगशाला में जितना हमारा इंस्ट्रूमेंट रहता है उसको हम बनाने के लिए यूज करते हैं। तीसरा हमारा सोडा ग्लास हो जाएगा, जिसको हम ट्यूब लाइट बनाने के लिए यूज करते हैं। सोडा कांच, याद रखिएगा, सोडा कांच ट्यूबलाइट बनाने के लिए। फिर हमारा क्राउन कांच होता है, जिसको विद्युत का बल्ब बनाने में यूज करते हैं। क्राउन कांच को हम किस में यूज करते हैं, विद्युत बल्ब बनाने के लिए। फिर हमारा क्रूक्स है, जिसको हम धूप के चश्मा के लिए यूज करते हैं। फिर हमारा पोटास का है, जिसको हम पोटास क्लास बोलते हैं, है ना, उसको हम कांच का बर्तन बनाने के लिए यूज करते हैं। फिर लास्ट में हमारा मृदु, जिसको हम परख नली बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कांच का पूरा प्रकार हो गया, उसका यूज हो गया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने ग्लास देखा, उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसका केमिकल फार्मूला सिलिका डाइऑक्साइड होता है, इसको याद रखना है। फिर उसका हमने क्या देख लिए, उसकी हम केमिकल रिएक्शन देखे कि किसके रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, तो कलर चेंज होता है। फिर हमने उसका क्या देख लिए, टाइप्स देखे, उसका यूज देखे, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।